नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। याद कीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर में हमने विशेषण का एक परिचय दिया था, तो चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, एडजेक्टिव या विशेषण एक संज्ञा या एक सर्वनाम का वर्णन करने वाला शब्द है, और हमने पहले बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे विशेषण के। तो चलिए आज हम विशेषण की कुछ विशेषताएं जानते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के प्रकार। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए एक एक करके हर प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मुंबई इज अ लार्ज सिटी यानी मुंबई एक काफी बड़ा शहर है। लार्ज यानी बहुत बड़ा या काफी बड़ा। तो लार्ज शब्द हमें सिटी के कुछ गुणों के बारे में बता रहा है। कैसी सिटी? लार्ज सिटी। ध्यान दीजिए कि सिटी यानी शहर, तो लार्ज शब्द हमें एक नाउन जो कि सिटी है उसकी गुणों के बारे में कुछ बता रहा है। वैसे ही दिस इज अ लेदर जैकेट यानी ये एक चमड़े का जैकेट है। तो यहाँ पे भी जैकेट एक नाउन है और लेदर शब्द हमें उसके कुछ गुणों के बारे में बता रहा है। कैसा जैकेट? लेदर जैकेट। ठीक वैसे ही रोज इज अ फ्रेग्रेंट फ्लावर यानी गुलाब काफी खुशबूदार फूल है। अब यहाँ पे फ्रेग्रेंट यानी खुशबूदार वो हमें फ्लावर के बारे में कुछ बता रहा है और फ्लावर यहाँ पे भी एक नाउन है। तो लार्ज, लेदर और फ्रेग्रेंट ये ऐसे शब्द है जो हमें एक नाउन के कुछ गुणों के बारे में कुछ बताते हैं। तो इसीलिए इन्हें गुणवाचक विशेषण या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स यानी क्या। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की वजह से एक भाषा निखर जाती है। अगर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स ना होते तो कोई भी भाषा काफी फीकी होती। तो मेरे हिसाब से तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स का किसी भी भाषा में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण। इनके बारे में पढ़ने से पहले यह काफी आवश्यक है कि हम मेजरेबल और काउंटेबल नाउन के बीच का अंतर समझ ले। तो मेजरेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप सकते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, राइस यानी चावल। तो हम उसे नापते हैं, जैसे 1 किलो चावल, 2 किलो चावल। वैसे ही मिल्क यानी दूध, हम कहते हैं 1 लीटर दूध या आधा लीटर दूध। अब मिल्क और चावल, मिल्क और राइस, इनको हम गिन नहीं सकते। हम ये नहीं बोलते 1 दूध, 2 दूध या 1 चावल, 2 चावल। हम हमेशा इन्हें नापते हैं। और काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हैं, स्ट्रॉबेरीज, हम अक्सर कहते हैं 1 डजन स्ट्रॉबेरीज। अब डजन यानी 12, तो डजन का मतलब है कि हम उसकी गिनती कर रहे हैं, कितनी स्ट्रॉबेरीज, 12 स्ट्रॉबेरीज। वैसे ही चेयर यानी कुर्सियां, हम बोलते हैं 5 चेयर्स या 6 चेयर, तो हम गिनते हैं। अब स्ट्रॉबेरीज और चेयर्स को हम नापते नहीं। स्ट्रॉबेरीज के केस में हम उनको नाप भी सकते हैं लेकिन आमतौर पर हम उन्हें गिनते हैं। तो अब शायद आपको मेजरेबल और काउंटेबल नाउन्स के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है। आपको मैंने हिंदी शब्द बताया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स यानी परिमाणवाचक विशेषण। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि ये ऐसे विशेषण है जिससे हमें किसी चीज का परिमाण पता चलता है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ही एट सम फूड। अब फूड एक ऐसी चीज है जिसे हम नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। और सम फूड यानी कुछ फूड, तो उसने कुछ खाना खाया। अब सम यानी कुछ एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चल रहा है कि फूड कितनी मात्रा में मौजूद है, तो कुछ खाना। तो सम एक ऐसा शब्द है जो हमें फूड की मात्रा के बारे में कुछ बता रहा है।
वैसे ही देयर हैज बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर। अब रेन वापस एक नाउन है और एक ऐसा नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते, नाप सकते हैं। और सफिशियंट यानी जितना चाहिए था उतना, यानी जितनी बारिश चाहिए थी उतनी बारिश हो गई इस साल। तो सफिशियंट एक ऐसा शब्द है जो वापस हमें बारिश की मात्रा के बारे में कुछ बता रहा है, बारिश कितनी मात्रा में मौजूद है। तो इसीलिए सफिशियंट भी एक ऐसा शब्द है जो हमें रेन की मात्रा के बारे में कुछ बता रहा है। और वैसे ही he lost all his energy, यानी उसने अपनी सारी शक्ति खो दी। अब यहाँ all एक ऐसा शब्द है जो हमें शक्ति के बारे में कुछ बता रहा है, या अगर ज्यादा विशेषता में जाओ तो शक्ति की कितनी मात्रा है उसके बारे में बता रहा है। तो all एक quantitative adjective है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। वे ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी नाउन जिसे हम नाप सकते हैं उसकी मात्रा के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा है। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्वालिफाई काउंटेबल नाउन्स एंड प्रोनाउन्स। इसका अर्थ है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हमें एक ऐसे नाउन या प्रोनाउन की जानकारी देता है जिसे हम गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम गिन सकते हैं, नाप नहीं सकते। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में हमने कहा था कि वे हमें ऐसे नाउन या प्रोनाउन की जानकारी देते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। तो यह काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स के थोड़े उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है थ्री हाउसेस, यानी तीन घर। अब यहाँ पे थ्री एक क्वांटिटेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो घरों के बारे में कुछ बता रहा है। कितने घर? तीन घर। वैसे ही सम टॉयस, यानी कुछ खिलौने। अब सम शब्द हमने पहले भी देखा है, ही एट सम फूड। वहां तो हमने कहा था कि सम एक परिमाणवाचक विशेषण है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहां मैंने न्यूमरल एडजेक्टिव्स के उदाहरणों में सम को रखा है। क्यों? क्योंकि सम यहाँ पे खिलौनों के बारे में कुछ बता रहा है और खिलौनों को हम गिन सकते हैं, नाप नहीं सकते। तो वो शब्द क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द किस नाउन के बारे में हमें बता रहा है उससे फर्क पड़ता है। तो पहले सम हमें फूड के बारे में कुछ बता रहा था तो इसलिए वो एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव था, और यहाँ सम हमें खिलौनों के बारे में कुछ बता रहा है इसलिए वह न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के तीन प्रकार होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो चलिए अब हम एक एक प्रकार को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स वे होते हैं जो एक एग्जैक्ट नंबर का बोध करते हैं। एग्जैक्ट नंबर यानी क्या? वन टू थ्री या एक दो तीन वगैरह वगैरह। वैसे ही उसमें रोमन नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह वगैरह। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। द हैंड हैज फाइव फिंगर्स, यानी हाथ में पांच उंगलियां होती है। अब यहाँ पे फाइव शब्द से हमें पता चल रहा है कि हाथ में कितनी उंगलियां होती है। तो फाइव हमें उंगलियों की संख्या की पूरी तरह से जानकारी दे रहा है, इसलिए यह हुआ एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ फर्स्ट शब्द भी होम मिनिस्टर की पूरी तरह से जानकारी दे रहा है, यानी कौन से होम मिनिस्टर? पहले होम मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अर्थ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो कौन से गृह मंत्री? पहले गृह मंत्री। तो इसलिए यह भी हुआ एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो शायद आप शब्द से ही समझ गए होंगे कि यह वे एडजेक्टिव्स है जिनसे एक एग्जैक्ट नंबर का बोध नहीं होता। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, एडजेक्टिव्स विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, यानी वे एडजेक्टिव्स जिनसे एक एग्जैक्ट नंबर का बोध नहीं होता। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, यानी इस किताब में कोई पिक्चर्स नहीं है। पिक्चर्स यानी चित्र। तो आप सोच रहे होंगे इससे भी हमें एक एग्जैक्ट नंबर के बारे में पता चल रहा है,
कि कितने पिक्चर्स, जीरो पिक्चर्स या एक भी पिक्चर में है, लेकिन यहां अगर लिखा होता जीरो पिक्चर्स तो जीरो एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होता, लेकिन नो एक नंबर नहीं है, नो एक इंग्लिश का शब्द है, तो इसलिए वो हुआ एक इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। वैसे ही ही एट ऑल द कुकीज, अब यहां पे कुकीज एक ऐसा नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, और ऑल द कुकीज यानी सारी कुकीज, यानी वो सारी कुकीज खा गया। अब यहां पे हमें कुकीज की संख्या पता नहीं चल रही, लेकिन संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिल रही कि उसने सारी कुकीज खा ली, सारी कुकीज, तो इसीलिए ऑल हुआ एक इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स के तीसरे प्रकार की ओर चलते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो जैसा कि यहां पे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स व्हिच रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। अब इस वाक्य को ध्यान से समझिए, ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी अगर मेरे पास 10 पेन है और मैं एक ऐसा शब्द बोलता हूं जिससे आपको पता चलता है कि मैं हर एक पेन की बात कर रहा हूं, तो उस शब्द को मैं कहूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर मेरे पास कितनी पेन है वो आपको नहीं पता, फिर भी मैं एक ऐसे शब्द की बात कर रहा हूं, एक ऐसा शब्द बोलता हूं जिससे आपको पता चल रहा है कि जितनी भी है मैं हर एक पेन की बात कर रहा हूं, तो वापस वो हो जाएगा एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, ईच बॉय विल प्ले, यानी हर एक लड़का खेलेगा। यहां हमें ये नहीं पता कितने लड़के हैं, लेकिन ईच शब्द से मैं हर एक लड़के की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए ईच हो गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। वैसे ही आइदर पेन विल डू, यानी कोई भी पेन चलेगी, तो यहां भी मेरे को नहीं पता कितनी पेन है, लेकिन आइधर से मैं हर एक पेन की बात कर रहा हूं, कोई भी पेन चलेगी, तो इसीलिए आइधर भी हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। और वैसे ही नाइधर स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई भी वाक्य सही नहीं है, यानी नाइधर यानी कोई भी नहीं, तो अब यहां भी मेरे को नहीं पता कितने वाक्य है, लेकिन नाइधर से मैं बोल रहा हूं कि जितने भी वाक्य है एक भी सही नहीं है, यानी मैं हर एक वाक्य की बात कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि एक भी सही नहीं है, तो इसलिए नाइधर भी हुआ एक डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यह चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चलिए फिर से एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। सेम वर्ड यूज्ड एज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज अ न्यूमरल एडजेक्टिव। तो यहां लिखा है सम वॉटर, यानी थोड़ा पानी। अब यहाँ वाटर एक ऐसा नाउन है जिसे हम नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो इसीलिए सम हो गया एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे लिखा है सम कुकीज, यानी कुछ बिस्किट्स, कुकीज यानी बिस्किट्स, तो कुकीज को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए सम हो गया एक न्यूमरल एडजेक्टिव। तो यहाँ पे शब्द सेम है सम, लेकिन एक जगह पे वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है और एक जगह पे न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो नाउन जिसकी बारे में हमें जानकारी मिल रही है वो नाउन को हम नाप सकते हैं कि गिन सकते हैं, और उसी से आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव है कि न्यूमरल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी आसान भाषा में कहूं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वे एडजेक्टिव्स है जो किसी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, यानी हमें पता चल रहा है कि किसी नाउन की तरफ इशारा हो रहा है इन शब्दों की वजह से। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां स्क्रीन पे आपको एक बुकशेल्फ दिख रहा है। अब मैंने एक बुक की तरफ इशारा किया है और कहा है दिस इज माय बुक, यानी ये मेरी किताब है। तो दिस यानी ये। अब ये एक ऐसा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि किसी बुक की तरफ इशारा हो रहा है, इसीलिए ये हुआ एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वैसे यहां आपको स्क्रीन पे तीन लड़के दिख रहे हैं और मैंने एक की तरफ इशारा किया है और कहा है दैट बॉय इज द नॉटीएस्ट, यानी वो लड़का सबसे शैतान है। तो अब यहां भी दैट यानी वो
एक ऐसा शब्द है जिससे आपको पता चल रहा है कि किसी की तरफ इशारा हो रहा है। तो इसीलिए ये भी हुआ, दैट भी हुआ एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ स्क्रीन पे कुछ और शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो पहला उदाहरण है दोस्त यानी वो सब। तो दोज आर माई फ्रेंड्स यानी वो सब मेरे दोस्त है। वैसे ही धीज यानी ये सब। धीज आर माई रिलेटिव्स यानी ये सब मेरे रिश्तेदार है। और आखिरी उदाहरण है सच। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है इसीलिए मैंने ये उदाहरण दिया है, डोंट बी इन सच अ हरी यानी इतनी घाई मत करो। तो सच एक ऐसा शब्द है जो किसी के बर्ताव की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे बर्ताव कैसा है, वो बंदा काफी घाई कर रहा है और उस बर्ताव की तरफ हम इशारा करते हैं, तो इसीलिए ये सच शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए सच हुआ एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एडजेक्टिव्स का आखिरी प्रकार देखेंगे जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स यानी प्रश्नवाचक विशेषण। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव सबसे आसान प्रकार होता है अगर आपको एग्जाम लिखनी हो तो। तो इसमें सिर्फ तीन शब्द होते हैं, व्हाट विच एंड हुज। और ये जब भी किसी नाउन के पहले आते हैं तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का एक उदाहरण है। तो यहाँ भी तीन उदाहरण दिए हैं, हुज टॉय इज दिस यानी ये किसका खिलौना है। तो हुज शब्द यानी किसका वापस खिलौने के बारे में कुछ पूछ रहा है, इस केस में बता नहीं रहा है लेकिन पूछ रहा है, लेकिन फिर भी उससे हमें पता चल रहा है कि खिलौने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हुज हो गया एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही विच वे शैल वी गो यानी हम कौन से रास्ते जाएंगे। तो विच से वापस हमें रास्ते की बात हो रही है ये पता चल रहा है, और व्हाट टाइम इज इट यानी समय क्या हुआ है। तो व्हाट शब्द से वापस टाइम की बात हो रही है। तो जो शब्द से किसी नाउन के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती है और आमतौर पर जो नाउन के पहले आते हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आज हमने एडजेक्टिव्स के बारे में तो सीख लिया। अब जैसे कि हमारी हर कक्षा में हम थोड़ी मिसेलिनियस यानी थोड़ी विविध बातें करते हैं जो आपको रोज की बातचीत में काम आएगी, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कॉमन ग्रीटिंग्स यानी आम शुभकामनाएं। तो मैंने आपको स्क्रीन पे थोड़ी आम शुभकामनाएं लिखी हुई है उनके हिंदी के अर्थ के साथ, तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए। पहले पांच तो आपको पता होंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट और हैप्पी बर्थडे, ये तो आमतौर पर हम इस्तेमाल किया करते हैं, बाकी के शायद आपको ना पता। तो उसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई। तो जब किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो या किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो तो हम उसे बधाई देते हैं, तो अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका मित्र अगर क्लास में फर्स्ट है तो आप उसे बोलते हो कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर हैप्पी जर्नी यानी शुभ यात्रा, शुभ यात्रा। तो अगर कोई घूमने जा रहा हो या किसी काम से कहीं जा रहा हो तो आप उसे बोलते हैं शुभ यात्रा यानी हैप्पी जर्नी। फिर गेट वेल सून यानी जल्दी ठीक हो जाओ, तो ये कोई बीमार हो उसे कहा जाता है। टेक केयर यानी ध्यान रखना, ये आमतौर पर हम अपने दोस्तों को कहते रहते हैं। सी यू सून यानी जल्दी फिर मिलेंगे, तो यहाँ पे भी कोई अगर दूर जा रहा हो आपसे तो उसे आप बोलते हैं कि हम लोग वापस मिलेंगे, तो उसके लिए अंग्रेजी में कहते हैं सी यू सून। फिर गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ये आम शुभकामना है जो आमतौर पर हम एग्जाम के पहले लोगों को बताते हैं। और वेलकम यानी स्वागत, तो कोई मेहमान आपके घर पे आए हो तो उसका स्वागत करने के लिए आप अक्सर बोलते हैं वेलकम। आपने देखा होगा कि लोगों के घर के बाहर जो मैट रखी रहती है उसपे भी काफी बार वेलकम लिखा होता है जिसका अर्थ होता है स्वागत। तो आज का लेक्चर तो हो गया। अब हमने जो पिछले लेक्चर में आपको एग्जाम दी थी उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सात शब्द दिए थे और कहा था कि इनके सिंगुलर लिखो यानी इनके एकवचन लिखो, और मैंने उन
उम्मीद की थी कि पिछले लेक्चर में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम हमने डिस्कस किए थे उसको आपने इस्तेमाल किए होंगे प्लूरल से सिंगुलर लाने के लिए। तो अगर आपको नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप उन नियमों को उल्टा करके प्लूरल से सिंगुलर भी आसानी से ला पाए होंगे। तो चलिए अब इसके उत्तर डिस्कस करते हैं। तो पहला था काउस, तो अंत में आ रहा है एस और एस के पहले डब्ल्यू। तो ये आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी स्पेशल केस में नहीं गिनता, तो इसीलिए काउस के लिए सबसे सिंपल रूल यूज करेंगे, अंत का एस हटा दो तो इसका सिंगुलर हो जाएगा काउ। फिर है बटरफ्लाइज, तो अंत में ई एस आ रहा है और ई एस के पहले आई आ रहा है। तो याद कीजिए कि हमने कहा था कि कोई भी शब्द के अंत में वाई आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम y को i से रिप्लेस करते हैं और अंत में es लगा देते हैं। तो इसको देख के आपको याद आना चाहिए ये नियम, और फिर इस नियम को उल्टा करें तो ies के बदले हम y लगा देंगे, तो इसका सिंगुलर हुआ बटरफ्लाई। फिर आता है बॉक्सेस, अब यहाँ अंत में es आ रहा है और उसके पहले x आ रहा है। हमने कहा था x से अंत होने वाले शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में es लगाते हैं, तो बॉक्सेस का सिंगुलर हो जाएगा बॉक्स। फिर किलोस, अंत में एस आ रहा है और उसके पहले ओ, तो वापस नियम को उल्टा करेंगे तो इसका सिंगुलर हो जाएगा किलो। फिर वुल्फ्स, अब यहां अंत में ई एस आ रहा है और उसके पहले वी आ रहा है। तो याद कीजिए हमने कहा था जो शब्दों के अंत में एफ आता है उनमें हम कुछ शब्दों में F को V से बदल देते हैं और अंत में ES लगा देते हैं। तो वुल्फ देख के आपको ये नियम याद आना चाहिए और इसका सिंगुलर हो जाएगा वुल्फ। फिर प्रूफ्स, तो इसमें S आ रहा है और पहले F आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि जो शब्दों के अंत में F आ रहा है और उनमें F को V से रिप्लेस करना है और फिर ES लगाना है, ऐसे ऐसा किन किन शब्दों में करना है उसकी लिस्ट दी थी मैंने आपको, और बाकी सब शब्दों में अंत में सिर्फ एस लगाना था। तो ये उसी का उदाहरण है, तो इसमें एस हटा देंगे और बन जाएगा रूफ। और अंत में फायरमैन, तो याद कीजिए कि हमने जब देखा था कि थोड़े ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम वॉवेल चेंज करते हैं, तो मैन का प्लूरल था मेन, तो यहाँ फायरमैन देख के आपको वो नियम याद आना चाहिए, तो इसका सिंगुलर हो जाएगा फायरमैन। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त हुआ, हम आपको मिलेंगे एक अगले लेक्चर में एक नए वीडियो में।